कार्रवाई नोटिस इनको दे दिया है, लाइसेंस इनके पास है नहीं फूड सेफ्टी का, जो मैंडेटरी है आज के टाइम सीएम क्राइम के अधिकारी भी हमारे साथ हैं और फूड सेफ्टी और सीएम क्राइम के लिए ज्वाइन करें। उड़नदस्ता टीम ने सोहना के दो अलग अलग स्थानों पर छापेमारी करते हुए बिजली चोरी व अवैध रूप से बिना लाइसेंस के बेचे जा रहे मीठे जहर पर कार्यवाही की। दरअसल मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम को सूचना मिली थी कि सोहना के दमदमा रोड पर बने एक सर्विस स्टेशन पर बिजली और पानी चोरी किया जा रहा है। जिस सूचना पर मुख्यमंत्री उड़नदस्ता टीम ने मौके पर पहुंचने के बाद बिजली विभाग व जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को मौके पर बुलाया, जिसके बाद बिजली विभाग के स्थानीय अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सर्विस स्टेशन पर पहुंचकर बिजली चोरी की कार्यवाही की और जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने जन स्वास्थ्य विभाग की पाइपलाइन से गाड़ियों के वॉशिंग के लिए चोरी किए जा रहे पानी के अवैध कनेक्शन को काटा। वहीं दूसरी छापेमारी सोहना सरकारी अस्पताल की नाक के नीचे सब्जी मंडी गेट पर अवैध रूप से बने खुशी पनीर भंडार पर, जहां पर 550 किलो रसगुल्ला, 100 किलो पनीर, 40 किलो खोवा, 140 किलो टमाटर सॉस बिना मार्का के बरामद की गई। जिस मामले में आगामी कार्यवाही करते हुए मौके पर जिला स्वास्थ्य विभाग के फूड सेफ्टी अधिकारी को बुलाकर सभी के सैंपल एकत्रित किए गए। एकत्रित किए गए सैंपल्स को कब्जे में लिया गया है, जिनकी जांच के लिए लैब में इनको भेजा जाएगा, जिनके रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगामी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। पनीर भंडार है आज मंडी सोना में और यहाँ पे हमने रेड की है। यहाँ पे एक पनीर का सैंपल लिया है, एक रसगुल्ले का लिया है, खोए का लिया है और एक टमाटो सॉस। सर टमाटो सॉस है वो बिल्कुल घटिया सी किस्म का लग रहा है। पनीर भी हमारे को थोड़ा डाउटफुल है, ये चीज़ें ना सब स्टैंडर्ड। बाकी लैब की रिपोर्ट आने के बाद इस पर आगे कार्रवाई होगी। इनकी है क्वान्टिटी लगभग, जो पनीर है वो 100 किलो के आसपास है, खोया है लगभग 40 किलो के आसपास है, रसगुल्ला है कम से कम ये 550 किलो के आसपास है और अपने जो सॉस है ये 135-140 किलो के आसपास है। मौके पर सैंपलिंग करने वाले फूड सेफ्टी ऑफिसर की माने तो बिना फूड सेफ्टी लाइसेंस के कोई भी दुकानदार इस तरह का सामान नहीं बेच सकता। बिना लाइसेंस के सामान बेचने पर 5 लाख रुपए का जुर्माना व 6 माह तक की सजा हो सकती है। वहीं मौके से जिस पनीर, खोवा, रसगुल्ला व टमाटर सॉस के सैंपल लिए गए उनकी गुणवत्ता देखने में ठीक नहीं लग रही, जिनको जांच के लिए लैब में भेजा जाएगा, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद आगामी कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि लैब में भेजे जाने वाले सैंपल्स की जांच रिपोर्ट कब तक और क्या आती है। तो आगे कार्रवाई क्या है इसमें? आगे की कार्रवाई नोटिस इनको दे दिया है, लाइसेंस इनके पास है नहीं फूड सेफ्टी का, जो मैंडेटरी है आज के टाइम किसी भी दुकानदार भाई के पास यदि लाइसेंस नहीं है पेंसिलसाई का तो उसमें कम से कम 6 महीने तक की सजा और 5 लाख रुपए तक के फाइन का प्रावधान है जी। और यदि सब्सटेंडर्ड के ये आइटम आते हैं जो दिए हैं सब्सटेंडर्ड भी 5 लाख तक का प्रावधान जी फाइन। तो डॉक्टर साहब आपने सीएम फ्लाइंग के साथ रेड किया या आप खुद ही? सीएम फ्लाइंग के साथ हमारी ज्वाइंट एड है, सीएम फ्लाइंग के अधिकारी भी हमारे साथ हैं और फूड सेफ्टी और सीएम फ्लाइंग के लिए ज्वाइंट। आपको बता दें कि इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है, साथ ही गर्मी भी दिनों दिन बढ़ रही है। ऐसे में जहां दूध की कमी हो जाती है वहीं लोग अब बाजार में सिंथेटिक दूध की सप्लाई भी धड़ल्ले से कर रहे हैं। इतना ही नहीं, सोहना में दुकानदार मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में मेवात से सिंथेटिक खोवा व पनीर मंगवाकर उसे बाजार में बेच ही नहीं रहे। मेवात से मंगवाए जाने वाले सिंथेटिक खोवा से ही मिठाइयां बनाकर के लोगों के बीच मीठे जहर को भी बेचकर मोटा मुनाफा कमा रही है, जिनको लोगों के स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि मेवात से लाकर सोहना में बेचे जाने वाले खोवा व पनीर की जानकारी स्थानीय स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को ना हो, लेकिन बावजूद इसके सोहना में सरेआम मेवात से गाड़ियों में भरकर खोवा व पनीर लाया जाता है और दुकानों पर सरेआम सप्लाई किया जाता है। अब इसे स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही कहें या फिर मिली भगत, अफसोस इस बात का है कि सोहना में सरेआम बेचे जा रहे सफेद जहर पर जिले के आला अधिकारियों की भी नजर आज तक कैसे नहीं पड़ी, जिसको खाने के बाद लोग फूड पॉइजनिंग जैसी बीमारियों के शिकार हो रहे हैं। लेकिन अब देखना इस बात का होगा कि सरकार की तरफ से इस सफेद जहर को रोकने के लिए किस तरह का अभियान चलाया जाता है और क्या सरकार इसको रोकने में सफल हो पाएगी या फिर सोहना में इस सफेद जहर की बिक्री ऐसे ही जारी रहती। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।